limit your size in any position so that fear does not become the prevailing instinct guiding your judgment. Joe Vidich. My attitude is that I always want to be better prepared than someone I am competing against. The way I prepare myself is by doing my work each night. Marty Schwartz. Good morning, friends. Currency Daily Analysis में आप सभी का स्वागत है. आज 17 जनवरी 2023. कल 16 जनवरी US हॉलीडे था ड्यू टू मार्टिन लूथर किंग बर्थडे. इसीलिए डॉलर इंडेक्स पे ज़्यादा कुछ एक्टिविटी हुआ नहीं. कल का जो कैंडल फॉर्मेशन से डेट इज ए स्पिनिंग टॉप. ये स्पिनिंग टॉप आफ्टर ए ट्रेंड इज नॉट ए रिवर्सल साइन, इट्स ए पॉज साइन. सो हमें अभी देखना है कि आज क्या ये स्पिनिंग टॉप के हाई के ऊपर जाता है या लो के नीचे कंटिन्यू करता है. दैट विल सेट द आइदर द कंटिन्यूएशन और पॉज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ट्रेंड. अगर हम वीकली में देखेंगे, वीकली में भी ये आपका 66 मूविंग एवरेज के ऊपर बैठा हुआ है. RSI बिलो 36, मंथली भी एट 53 पॉइंट. दैट मीन्स थोड़ा सा सॉफ्टनेस यहां पे बरकरार है बोथ वीकली एंड डेली पे. डॉलर रुपी कल एक अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट देखा गया ड्यू टू ऑयल रिलेटेड बाइंग, ऑल्सो FPI रिलेटेड सेलिंग, जिसके लिए मीन्स डॉलर इक्विटी मार्केट में काफी सेल ऑफ देखा गया एंड इसका कॉरेस्पॉन्डिंग आउटफ्लोज मार्केट में हिट हुआ. दिस आर द प्राइम टू रीजंस जिसके कारण डॉलर रुपी में अच्छा खासा अपमूव देखा गया. हमारे इंडियन मार्केट में ट्रेडेड इन बिटवीन 81.26 ओपनिंग लो ऑफ 81.25, हाई ऑफ 81.75 एंड क्लोज एट 81.61. यहाँ पे बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप यही होगा कि ये अगर समवेयर हियर इसके आसपास, दैट मींस 81.90-95 के आसपास आने के बाद अगर एक बियरिश कैंडल फॉर्म होता है, सम सॉर्ट ऑफ बियरिश कैंडल, उसके बाद एक सेल ऑफ दिखा जाता है तो एक अच्छा खासा हम ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे सेलिंग होने के बाद अगर स्विंग लो को तोड़ता है, आपका 81.12 का लो को तोड़ता है, देन वी मे एक्सपेक्ट फर्दर सेल ऑफ इन दिस इंस्ट्रूमेंट. GBP डॉलर 1.2193, ये टिपिकली एक रेजिस्टेंस एरिया पे जाके आपका नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, एक इन्वर्टेड पिन बार, परफेक्ट. और RSI जो है होवरिंग अराउंड नियर बाई 60. और वीकली एंड मंथली में अगर हम देखेंगे, वीकली में भी ये 60 के नज़दीक रेजिस्टेंस लेने का प्रयास कर रहा है. मंथली तो नीचे ही है. दैट मीन द केस यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. GBPINR 99.55 और ये आपका 100.50 एंड 98.00 के बीच में ही फंसा हुआ है. और थोड़ा यहाँ पे कंटिन्यूएशन होगा, उसके बाद एक ब्रेकआउट आइदर साइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यूरो डॉलर अगर हम देखेंगे, कल दो दिन छोटा छोटा नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है, बट अगर हायर टाइम फ्रेम में अगर हम इसका देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे और भी स्ट्रेंथ है. वीकली में 60 में सपोर्ट लेके RSI और भी ऊपर जा रहा है. मंथली में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 60 काफ़ी दूर है. दैट बीइंग द केस यहाँ पे हम बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ सकते हैं. यूरो INR 88.39, इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है आपका 88.75. लेकिन यहाँ पे देखने वाला बात यह है कि RSI इज ट्राइंग टू टेक रेजिस्टेंस एट 60. सो यहाँ पे एक रेंज शिफ्ट का प्रोबेबिलिटी हो सकता है. रेंज शिफ्ट बोले तो RSI आफ्टर ट्रेडिंग अबोव 60, यहाँ पे 81 के ऊपर भी चला गया था, उसके बाद बिलो 60 आने के बाद ट्राइंग टू टेक रेजिस्टेंस एट 60. दैट मीन्स इट्स ए परफेक्ट आपका
रेन शिफ्ट का प्रोबेबिलिटीज है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और मॉनिटर करेंगे क्या यहाँ पे अच्छा खासा सेल ऑफ आते हैं या नहीं। डॉलर येन 128.09 बॉटम लेवल पे आपका कल एक छोटा मोटा बुलिश कैंडल देखा गया है, लेकिन ये बुलिशनेस काफ़ी नहीं है रिवर्सल के लिए या ऊपर जाने के लिए कुछ ट्रेंड बताए। सो यहाँ पे आपको एक तो है ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, अभी रेजिस्टेंस लाइन थोड़ा सा ऊपर चला आया है बाय जॉइनिंग द टू स्विंग हाइज, तो इसके ऊपर क्लोज देना पड़ेगा बुलिश कैंडल के साथ, वो भी स्ट्रांग बुलिश कैंडल के साथ, तब जाके हम यहाँ पे एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपवर्ड जाएगा। टिल दैट टाइम कंसोलिडेशन टू सेल ऑफ मे कंटिन्यू इन दिस इंस्ट्रूमेंट। येन आईएनआर पे टॉप में जाके थोड़ा सा इंडिसीशंस बन रहा है, एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है दैट बीइंग द केस आपका यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस हम हल्का सा वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर कैंडी पे 1.3409 दो दिन से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है डॉलर कैंडी, एंड ऑल्सो आरएसए ट्रांस में एक सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है एट 60। थोड़ा सा हम हायर टाइम फ्रेम में इसको देखने का प्रयास करेंगे। आरएसआई वीकली आरएसआई एट 51.95 दैट बीइंग द केस थोड़ा सा रूम है ऑन आइदर साइड। मंथली ये एक रेंज शिफ्ट का प्रयास है, एंड ऑल्सो प्राइस एक्शन के हिसाब से एक सेल ऑफ है दैट बीइंग द केस द मंथली टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिलो 1.32 वी मे एक्सपेक्ट 1.2750 से 1.2775 के तरह, लेकिन ये मंथली टाइम फ्रेम में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ऑसी डॉलर में हम देखेंगे कल एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है एट टॉप, इसका रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये एक अप मूव के बाद आपका इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है, इसके लो के नीचे एक छोटा सा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर सी एन 6.7273 बॉटम लेवल पे बाउंस बैक करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इमीडिएट जो प्रीवियस सपोर्ट था दैट में एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, दैट मीन द केस 6.73 एंड 6.7850 ये जो जोन है में एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखने वाला बात क्या है कि कल जो चाइना से न्यूज़ आया कि 60,000 डेथ्स रिपोर्टेड ऑफिशियली रिपोर्टेड ड्यू टू कोविड, तो ये जो न्यूज़ है इसको फर्दर एस्केलेशंस होता है या नहीं होता है वो हमें देखना है। एस्केलेशंस विद इन चाइना एज वेल एज स्प्रेडिंग इन अदर कंट्रीज, दिस टू फैक्टर्स हमें केयरफुली मॉनिटर करना है। यूके ऑयल 84.00 कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया, वही आपका कोविड रिलेटेड न्यूज के लिए मार्केट इज इन वेट एंड वॉच मोड। ब्रेंट क्रूड को अगर ऊपर जाना है तो आपका जो प्रीवियस स्विंग हाई है इसके ऊपर क्लोज देगा, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट एन अप मूव। इसके ऊपर क्लोज देगा तो हायर हाई हायर लो कन्फर्मेशंस कन्फर्म करेगा, अभी भी हायर लो कन्फर्मेशंस हुआ नहीं है, जब तक ये कन्फर्म नहीं होता है थोड़ा सा रेंज बाउंड हो सकता है ऑन द लोअर साइड 77.50 ऑन द हायर साइड 87.00। यूएस 10-year ट्रेजरी 3.52 कल दो दिन में थोड़ा सा बाउंस देखा गया फ्रॉम द बॉटम दैट बीइंग द केस यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने का प्रयास कर रहा है। इसको अगर फिर दोबारा लो को तोड़ता है तो हम दोबारा लो को तोड़ता है एंड ऑल्सो रिसेंट स्विंग लो को तोड़ता है तो हम एक अच्छा खासा सेल ऑफ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड बाय।